सोशल मीडिया पर आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप तमाम जगह ये वीडियो वायरल है। इसमें एक शख्स 500 रुपए की मांग एक दूसरे शख्स से करता दिखाई दे रहा है और एक पलंग पड़ा हुआ है और बैकग्राउंड में एक वर्दी भी दिखाई दे रही है और वीडियो वायरल है और इसमें एक मैसेज भी साथ में चल रहा है कि ये किसी पुलिसकर्मी का वीडियो है क्योंकि पीछे वर्दी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर कई लोग ये मैसेज भी चला रहे हैं कि ये वीडियो परवलिया पुलिस चौकी में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल अशरफ खान का है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। और पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सोचा मेरे को फोन एक बार ट्राई कर लो, ज्यादा अच्छा है ना। नहीं तो तेरा फोन आया था, मैं सोया था, उठा, मतलब क्या बात हो गई, कितने दे रहा है? 500 रुपए दे कम से कम। यार सर, यार इतने तो रहने दो यार। अरे 500 तो कहाँ दिलाओ यार, अभी डाउन फिर तो जाना तो ये जब हो जाएंगे तब देना, अब क्या बोलूं। तो कहाँ से लाए यार, अभी दुकान भी ऐसे नहीं चल रही। जा खुशी खुशी, दारू तो पी लेता सुबह से, बकरी के क्या बोलूँ। नहीं यार ऐसा नहीं है साहब। नहीं उसके लिए नाराज नहीं हूँ मैं, है ना, नाराज की बात थोड़ी है यार। इसलिए तो मैंने ऐसा अलग अलग रख के लाता है। अलग अलग नहीं है, वो तो बराबर ही है। कोई वो नहीं है, फिर वो कल को क्या क्या है वो, अभी दुकान भी नहीं चल रही बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी लोग है नहीं घर पे, सब काम पे चला गए। हाँ वो वाला क्या, हाँ वो तो दिखता है उधर। हाट के रखो, मैं हूँ तो ठीक है, कोई और आएगा तो वो तो सही बात है। ये तेरा काम है, एक पात्रा ले ले, एक ताटली लेके। तो आपने देखा इस वीडियो को, इस वीडियो में 500 रुपए ये लेते हुए शख्स दिखाई दे रहा है। चर्चाओं में ये परवलिया में पदस्थ हेड कांस्टेबल अशरफ खान बताए जा रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जब ये वायरल हुआ तो हमने एसपी झाबुआ अगम जैन से इस वायरल वीडियो के बारे में संपर्क किया। उनका कहना था कि उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है और वो इसकी जाँच करवा रहे हैं, जाँच में अगर ये सत्यता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी उसका हम भी इंतज़ार करेंगे, जांच के नतीजों का भी इंतजार करेंगे। फिलहाल एसपी झाबुआ अगम जैन ने इस वायरल वीडियो पर क्या कहा वो सुनिए। एक वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है तो उसकी हम अभी जांच करा रहे हैं और जांच में यदि सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो ये वीडियो अब जांच का विषय है और अगर ये वाकई में सही पाया जाता है तो ये दुखद होगा, क्योंकि जिस तरीके से नशाखोरी के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और वहीं पर एक ऐसे शख्स से ये 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पाए जा रहे हैं जो खुद शराब पिए हुए लग रहा है और शराब के कारोबार वो करता है ऐसा भी लग रहा है, अगर उससे पुलिस के ये हेड साहब रिश्वत ले रहे हैं, अगर ये सही है तो ये काफ़ी विडम्बना है और दुखद है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।